नमस्कार, किरण्स रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबुत मूंग दाल। आइए देखते हैं साबुत मूंग दाल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तेल 1 बड़ा चम्मच, तेल की जगह आप घी या मक्खन भी ले सकते हैं। जीरा 1 छोटा चम्मच साबुत, नमक स्वादानुसार 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर चुटकी भर, हींग, अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ, 2 लाल मिर्च साबुत, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर प्यूरी, 2 बड़े टमाटर ले लें आप और उनको मिक्सी कर लें, इस तरीके से प्यूरी बना लें, पानी और 250 ग्राम साबुत मूंग की दाल। ये साबुत मूंग की दाल है, इसको बनाने से पहले हम साफ से धो लेंगे और इसको 3-4 घंटा भिगो लेंगे। भिगोने से दाल हमारी अच्छे से फूल जाती है और फिर इसका पानी निकाल लेंगे। ऐसे ही आप भी दाल को धो करके इसका पानी निकाल करके दाल को तैयार कर लें। अब हम एक कुकर ले लेंगे, दाल को हम सबसे पहले कुकर में डाल देंगे। दाल को हमने कुकर में डाल लिया है, अब हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा नमक डालना है और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, थोड़ा बचा लेंगे और इसमें ये पानी डाल देंगे। पानी दाल में हमने उतना ही डालना है जितने हमारी दाल डूब जाए, या हमने 1 कप दाल ली है तो इसमें 2 कप पानी डालेंगे और इसमें ढक्कन लगा देंगे। अब दाल को हमने पकने रख दिया है, गैस ऑन कर दिए, आप इसको तब तक पकाएं जब तक इसमें 2 सीटी आ जाए। जैसे इसमें 2 सीटी आ जाए तो आप गैस को सिम कर दें और सिम में आप कम से कम इसको 10 मिनट तक पकाएं और उसके बाद गैस बंद कर दें। दाल में 2 सीटी आ चुकी हैं, अब हमने इसको सिम में रख दिया है। जब तक दाल हमारी 10 मिनट सिम में तैयार होती है तब तक हम प्याज और टमाटर भून लेते हैं। गैस में आप कढ़ाई रख दें, गैस को ऑन कर दें और कढ़ाई को गर्म होने दें। और कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, तेल को आप थोड़ा बचा लें, थोड़ा कढ़ाई में डाल दें। तेल की जगह आप घी या मक्खन भी ले सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। प्याज को हम भून लेंगे अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक और बीच बीच में आप इसको चलाते रहें। प्याज भून चुका है, हल्का ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ये टमाटर प्यूरी डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी, नमक, नमक आप स्वादानुसार डालें और ध्यान रखें दाल में हमने पहले से थोड़ा नमक डाला है इसलिए तो हम नमक थोड़ा कम डालेंगे यहाँ पर। लाल मिर्च पाउडर, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। गैस को आप मीडियम रखें, और गरम मसाला इसको भी हम डाल देंगे इसमें। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये तेल छोड़ दे। दाल में हमारी 2 सीटी आ गई हैं और हमने इसको 10 मिनट तक सिम पर पका लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को हम तभी खोलेंगे जब इसकी सीटी आपकी निकल जाए पूरी। अब प्याज और टमाटर भून चुका है, अब गैस को हम सिम कर देंगे, इसकी सीटी निकाल लेंगे, दाल की सीटी निकल चुकी है, उसका ढक्कन खोल देंगे। अब आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छी से गल चुकी है, तो हम इस दाल को इसी में डाल देंगे प्याज टमाटर के पेस्ट में। और इसको हिला लेंगे,
गैस को हम सिम ही रखेंगे। और दाल को इसमें हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अगर आपको लगे दाल में पानी कम है तो आप दाल में उबला हुआ पानी डाल सकते हैं थोड़ा। अब दाल को 2 मिनट हो चुके हैं, दाल को हम इधर रख देंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। एक कोई छोटा पैन ले लें आप। प्याज टमाटर को आप दाल में उबालते समय भी डाल सकते हैं, लेकिन जो बाद में इसमें भूनते हैं उसका स्वाद थोड़ा अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने इसको बाद में भुना है। आप चाहें तो प्याज और टमाटर को दाल को उबालते समय भी डाल सकते हैं। अब दाल में तड़का लगाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी या तेल, मक्खन कुछ भी आप ले लें। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। और ही गैस को बिल्कुल सिम कर दें आप। और साबुत लाल मिर्च, लाल मिर्च को डालते समय थोड़ा आप तोड़ लें किनारे से, नहीं तो चटक सकती है। और इसको भून लेंगे। मिर्च हमारी भून चुकी है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन डाल देंगे बारीक कटा हुआ। इसको चला लेंगे। अदरक और लहसुन को तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का ब्राउन हो जाए। तो गैस को आप बिल्कुल सिम रखें। और बीच बीच में आप इसको चलाते रहें ताकि जले ना। लहसुन भी हमारे हल्का ब्राउन हो चुका है। गैस को अब हम बंद कर देंगे। इस तड़के को अब हम दाल में डाल देंगे। हिला लें थोड़ा इसको, थोड़ा इसमें दाल डालते हैं। और उसको हिला लेंगे अच्छे से। साबुत मूंग की दाल को अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। एक बाउल ले लें आप ऐसे, और इसको बाउल में निकाल लें। अगर आपको लगता है दाल गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ा उबाल के पानी डाल सकते हैं। दाल को हमने बाउल में निकाल लिया है। आप भी ऐसी इसको एक बाउल में निकाल लें। अब मूंग की दाल बनकर तैयार है। हमने एक नींबू काट लिया है, आप भी नींबू काट लें। नींबू से दाल का स्वाद बहुत अच्छा आता है। जब भी आप इसको खाएं तो नींबू निचोड़ लें इसमें। साबुत मूंग की दाल को बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चाहे तो आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपना अनुभव किरण सी रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।